रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इन आयरलैंड। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इन आयरलैंड इज अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, फाउंडेड बाय द रॉयल चार्टर इन 1784। इट इज रैंक 151 to 200 in the QS World University Ranking by the subject 2022. It is a rank 1045 in the Global University Ranking. The also the acceptance rate this university is around 46%. Discuss करते हैं इसके undergraduate entry requirement के बारे में। Intermediate में आपके पास या HSC में आपके पास minimum 90% और above होना बहुत जरूरी है in 5 subjects. Then you will be eligible. अगर international bracket की बात करूँ तो 36 point in IB होना बहुत जरूरी है, diploma ID होना चाहिए। और अगर A levels की बात करूँ तो आपके पास straight triple A's होना बहुत जरूरी है, then you will be eligible for the in this university, definitely medicine की university। और अगर post grad की बात करें तो MBA, BAO या bachelor's की अपने जो equivalent degree की भी है with the good standing of grades या professional registration body के साथ भी होना बहुत जरूरी है कि recognized degree हो आपके पास और आपके जो है वो good skill होना बहुत जरूरी है, then you will be eligible for the post grad program। इसके undergraduate की IELTS requirement बात करते हैं 6.5 with no individual 6.0 in each component। TOEFL की अगर बात करूँ ओवरऑल 79 से लेकर 95 यूरो ओवरऑल मांगा गया है आपके TOEFL के अंदर। ट्यूशन फी की अगर बात करते हैं तो बैचलर्स ऑफ एडवांस आप कह लेंगे थेरेप्यूटिक्स टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ एक नॉन क्लिनिकल डिग्री है थेरेप्यूटिक टेक्नोलॉजी 18,000 यूरोस पर एनम पर है। बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल क्लिनिकल फार्मेसी की बात करूँ तो ये भी 18,000 यूरोस पर एनम पर मिलते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिसिन MD के लें MBBS के लें तो 57,000 यूरोस पर एनम पर है। बैचलर ऑफ साइंस इन फार्मेसी 18,000। बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजियोथेरेपी ये भी ऑनर्स की डिग्री, इसकी फीस भी 18,000 यूरोस है। और मास्टर्स की अगर आप बात करें तो मास्टर्स में इनके पास मास्टर्स ऑफ साइंस इन फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज हैं जो कंफर्म किया जाएगा, हमेशा ये प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा होता। या मास्टर ऑफ साइंस इन सर्जरी ये भी आपने कंफर्म करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है कि नहीं, बट दे डू ऑफर। और थर्ड जो प्रोग्राम है दिस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ साइंस इन सर्जिकल साइंस एंड प्रैक्टिस। इन तमाम तीनों प्रोग्रामों की जो फीस है वो 26,500 यूरोज हैं पर ईयर की। डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। दे डू ऑफर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल फार्मेसी स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन 50% तक की मैक्सिमम आपको रिडक्शन देता है। आप समझेंगे 12,500 यूरोस पर एनम पे आपको ये वेव ऑफ हो जाता है एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन किस तरह अप्लाई करना है। लेकिन ये हेल्थ साइंसेज में सिर्फ फार्मेसी वालों के लिए, या मेरी वेबसाइट पे जाएं studyabroadupdates.com, इसको अप्लाई करने का तरीका कार आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो स्कॉलरशिप ये ऑफर करते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल कैसिलिनो मेडिसिन स्कॉलरशिप। ये भी एक अवार्ड है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मिलता है। इसका जो वैल्यू है अवार्ड है वो 25,000 यूरोस मिलता है, बट आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया आई यू कैन सी माय स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com वहां जाके आप ले सकते हैं। और ये 25,000 यूरो आपको 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम पे मिलता है। लाइक आपने 6,250 यूरोस पर एकेडमिक ईयर्स आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपके पास 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है तो आप 5,000 यूरो कर सकते हैं। और 6 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो 4,160 यूरो। लाइक जितने भी ड्यूरेशन का एकेडमिक प्रोग्राम है उतने आपको उसको डिवाइड ईयर से डिवाइड कर लें तो आपका वैल्यू ऑफ निकल आएगा कि 25,000 यूरो का कितना वो बनेगा ईच ईयर के ऊपर। एचबी क्राइटेरिया मेरी वेबसाइट पर आपको studyabroadupdates.com वहाँ पर आपको मिल जाएगा।